हेलो। चलिए देखिए, आज हम आप लोगों को स्क्वायर पिरामिड के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले जो भी हम सिलेबस कवर किए थे, आप लोगों को पता ही होगा उसके बारे में। तो थोड़ा सा हम स्क्वायर पिरामिड के बारे में बता दें। देखिए, ये एक छोटा सा डायग्राम हमने बना रखा है कागज का, स्क्वायर पिरामिड। ये देखिए, इसका बेस है स्क्वायर और ये है पिरामिड। पिरामिड का शेप आप लोग जानते ही हैं। तो अगर हम इसको ऐसे कुछ दिखाएं, देखिए ये दिखा स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड जो होता है, इसके बारे में अगर हम इसको ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा स्केचिंग करें, तो 3D में आप लोग देखते हैं कि 3D में जो स्क्वायर पिरामिड होता है वो कुछ ऐसे दिखता है आप लोगों को। ये होता है आपका स्क्वायर पिरामिड, और बीच इसके ठीक बीच में एक सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन को हम डॉटेड से दिखा देते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग चैन रूट से। इसके बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है पहले ही। ये आपका स्क्वायर पिरामिड, देखिए बिल्कुल इसी तरह से दिखता है। देखिए बिल्कुल ऐसे से दिखता है स्क्वायर पिरामिड के बारे में जो हमने चर्चा थोड़ी सी की थी। देखिए बिल्कुल इस तरह दिखता है, और इसके बारे में हमने आपको थोड़ा बहुत लिखा भी दिया था। हमने कुछ पॉइंट इसमें आपको बताए थे, जैसे देखिए ये होता है आपका बेस एज। क्या होता है? बेस एज। बेस एज इसको, इसके बारे में हमने कहा ये होती है स्लांट एज। ये आपकी होती है स्लांट एज। इसको हम अपेक्स कहते हैं, अपेक्स। ये उसके बारे में हमने इसमें अब आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए बेस एज, देखिए ये जो तिरछी लाइनें आती हैं, जितनी तिरछी लाइनें होती है इनको हम कहते हैं स्लांट एज। उसके बाद बेस एज जो होती है, ये जो चार लाइनें रहती हैं बेस में, इसको हम कहते हैं बेस एज। ऊपर के इस पॉइंट को जहां सारी एजेज जाकर मिलती है एक दूसरे से, इसको हम क्या कहते हैं? अपेक्स कहते हैं। ये तो हो गया एज के बारे में। थोड़ा सा फेस के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए फेस के बारे में अगर हम बात करें, तो स्क्वायर पिरामिड में देखिए चार फेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, और एक होता है बेस फेस नीचे। टोटल कितने हो गए? 5 फेस। तो फेस के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें, तो फेस ये होते हैं। फेस का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, ठीक है। जैसे ये देखिए दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये आपका एक फेस कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक फेस। यह आपका ट्रेंगुलर फॉर्म में होता है। तो ट्रेंगुलर फॉर्म में इसके चार होते हैं, फेस जो होते हैं वो चार होते हैं ट्रेंगुलर फॉर्म में। और एक जो स्क्वायर बना हुआ है, जिसको बेस फेस कहते हैं, जो स्क्वायर बना होता है वो होता है आपका बेस फेस। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं बेस फेस। क्या कहते हैं? बेस फेस। बाकी आपके जो होते हैं वो होते हैं चार, जो होते हैं वो आपके होते हैं स्लांट फेस। क्या होते हैं? स्लांट फेस। इतने पॉइंट्स आपके होते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, चाहे इसको कैसे भी वो उठाकर रखेगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं केवल इन्हीं, जितने जो हम पॉइंट लिख दिए हैं केवल इसी के आधार पर सारे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे ये होती है आपकी एक्सिस। क्या होती है? एक्सिस। एक्सिस को भी लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पॉइंट कितने आपको याद रखने हैं? एक्सिस, अपेक्स, स्लांट फेस, स्लांट एज, बेस एज, बेस फेस। देखिए ये जो दिख रहा है एकदम बीचों बीच एक्सिस होती है, जिसे हम अब यहां तो दिख नहीं रहा है लेकिन ये वास्तविकता में होता है ठीक बीच में, ठीक। चलिए अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि ये इसको कैसे क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। अगर
हम सबसे पहले इसका एलिवेशन और प्लान पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसका एलिवेशन और प्लान कैसे बनता है। एलिवेशन प्लान आपको भी पता है कि हम दो तरीके से एलिवेशन प्लान बनाते हैं। आपके चार कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको फर्स्ट एंगल कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट एंगल, और ये आपका होता है थर्ड एंगल। सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल में इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि जो जो फर्स्ट एंगल में आता है वही लगभग सेकेंड एंगल में भी आता है, और जो थर्ड एंगल में आता है वही फोर्थ एंगल में भी आता है। इसीलिए केवल दो एंगल पढ़ते हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल, दूसरा होता है थर्ड एंगल। तो हम सबसे पहले आपको जब पढ़ाएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे केवल और केवल फर्स्ट एंगल के बारे में। देखिए ये कोऑर्डिनेट आपके चार होते हैं, इसको हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ा दें। देखिए इस तरीके के चार एंगल कैसे रहते हैं, देखिए ये आपका जो है इस तरह, देखिए ऐसे कोऑर्डिनेट रहता है, दिख रहा है एकदम साफ साफ। देखिए ये आपका होता है फर्स्ट एंगल, ये आपका होता है सेकेंड एंगल, उसके बाद ये आपका होता है थर्ड एंगल यहां, और लास्ट में ये होता है आपका फोर्थ एंगल। आपके चार एंगल टोटल होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फर्स्ट एंगल की। फर्स्ट एंगल में देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही है फर्स्ट एंगल में कि इसको हम जो कह, ये जो प्लेन होता है, एक ये जो प्लेन होता है ये कैसा वर्टिकल है, कैसा प्लेन है वर्टिकल प्लेन, और ये कैसा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन को हम नाम देते हैं वीपी, यानी इस वाले लाइन को हम क्या कहेंगे वीपी, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको हम कहते हैं एचपी। क्या कहते हैं एचपी। अगर हम इस तरह की बात करें तो ये आपका वीपी है और ये आपका एचपी है, दो प्लान। अब इसी के ऊपर हम स्क्वायर पिरामिड को रखकर बनाते हैं। जैसे थोड़ा सा हम इसको बना दें, देखिए ये आपका स्क्वायर पिरामिड है, इसको इस पर रख दिए, इस पर रख दिए, एचपी पर रखा हुआ है। इसी पर देखिए जब हम सामने से देखते हैं उसको कहते हैं फ्रंट व्यू, और जब हम ऊपर से देखते हैं तो टॉप व्यू कहते हैं उसे। तो जब फ्रंट व्यू देखते हैं तो एलिवेशन बनता है, और जब टॉप व्यू देखते हैं तो प्लान बनता है। तो हम आपको दो चीजें बनाना सिखाते हैं, एलिवेशन और दूसरा प्लान। अब चूंकि हम ब्लैक बोर्ड पर तो 3D में ऐसे दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं इसी चीज को हम सीधा करके ऐसे दिखाते हैं। देखिए इस चीज को चित्र बना है, तो एलिवेशन जब बनता है तो देखिए ऐसे जाकर छप जाता है एलिवेशन, और जो प्लान बनता है तो देखिए जहां रखा है प्लान ऐसे इस तरह जाकर दिखता है। तो एलिवेशन सीधा सीधा एकदम, और प्लान नीचे। तो जो मेन एक्सिस, अब ये जो लाइन गई है, देखिए ये जो लाइन जाती है इसको हम कहते हैं एक्सिस, मेन एक्सिस आपका होता है। तो हम उसी को लेकर बनाते हैं यहां पर थोड़ा सा, देखिए यानी जो भी हम एलिवेशन और प्लान बनाते हैं इसी लाइन के ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम वीपी कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको एचपी कहते हैं। तो अब चलिए ये हो गया आपका वीपी और ये हो गया आपका एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, दो आपके प्लेन होते हैं एचपी और वीपी। तो अगर हम स्क्वायर पिरामिड को सीधा सीधा अगर आप रखकर बनाते हैं, पहले एलिवेशन प्लान अगर हम सीधा सीधा ऐसे रखकर बनाएं, देखिए अगर इसको हम यहां रखकर ऐसे बनाए सीधे तो कैसा चित्र आएगा, सिंपल सा एक। देखिए ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपका अपेक्स बन जाएगा, एलिवेशन ये आपका दिखा, इस तरह दिखेगा सीधा सीधा। अगर आप इसको ऐसे लेकर बनाएंगे तो इसी तरह दिखेगा। एक्सिस जो कि दिखती नहीं है लेकिन अब चूंकि है तो उसे बनाना भी है, तो ये आपकी हो गई एक्सिस लाइन, ये आपकी हो गई एक्सिस लाइन। तो ये हो गया आपका एलिवेशन सीधा सीधा। अगर हम किसी स्क्वायर पिरामिड को एचपी पर रखकर अगर फ्रंट व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू यानी एलिवेशन जब देखते हैं तो आपका इस तरह बनता है, और अगर प्लान देखते हैं तो प्लान देखिए ये जो चीज यहां रखी गई है इसको अगर ऐसे आप रखकर देखेंगे तो कैसा बनेगा। इसी के सामने हम लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन हल्की हल्की, ये आपका हो गया स्क्वायर, ये चीजें
आपका स्क्वायर बनाइए, देखिए ये बना आपका स्क्वायर ऐसे करके आपका स्क्वायर बना, बीच में आपका अपेक्स है। अब हमको पता है कि अपेक्स से चार भुजाएं कहां जाती हैं, कॉर्नर तक जाती हैं, देखिए कॉर्नर तक जाती हैं, तो एक भुजा यहां से ये कॉर्नर तक गई, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये भुजा और चौथी ये भुजा, तो आपका कुल मिला जुलाकर ये बन गया प्लान, ठीक। तो ये बना आपका स्क्वायर पिरामिड का एलिवेशन और ये प्लान। ये सिंपल रूप में जब हम एचपी पर रखकर देखते हैं तो एकदम सीधा सीधा इस तरह का प्लान आ जाता है। अब क्वेश्चन आपके जो चेंज करता है वो कई तरीके से, शुरू शुरू में कहता है कि आप क्वेश्चन रखिए ऐसे रखिए, उसके बाद इसे इंक्लाइंड करवाता है। देखिए इंक्लाइंड का मतलब इसे झुकाता है, इंक्लाइंड का मतलब इसका झुकना, ऐसे इधर झुकाएगा इधर झुकाएगा, तो इसमें तमाम क्वेश्चन आपके इसी के बेस पर आपके बताए जाते हैं। ये तो एक सिंपल है केवल एलिवेशन और प्लान बनाने का किसी भी स्क्वायर पिरामिड का। अब हम आपको और सारी कंडीशनें दिखाते हैं कि ये चेंजेस कैसे होता है, आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाएंगे, देखिए इस कैसे चेंजेस हो रहा है, और इस पर बनाकर भी दिखाएंगे कि उसका एलिवेशन प्लान बनता कैसे है। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, थोड़ा सा ये आपका एलिवेशन फ्रंट व्यू, अब देखिए जैसे दे देता है, सपोज एक क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, मान लीजिए हिंदी में पढ़ देते हैं, आपके पास तमाम क्वेश्चन होंगे, अगर आप क्वेश्चन शेयर करेंगे तो हम उसके सॉल्यूशन आपको बनाकर देते रहेंगे वीडियो पर। जितना आप किसी भी तरीके का स्क्वायर पिरामिड का क्वेश्चन है, चाहे फर्स्ट एंगल का हो थर्ड एंगल का हो, फिलहाल तो मैं फर्स्ट एंगल पढ़ा रहा हूं, तो फर्स्ट एंगल के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी बहुत आसान होता है। और अगर मैं थर्ड एंगल की बात करूंगा तो जब थर्ड एंगल पढ़ा दूंगा तो थर्ड एंगल भी के भी आप क्वेश्चन बताइएगा। जैसे फर्स्ट एंगल में सपोज हिंदी में एक क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको तमाम हिंदी और इंग्लिश किताबों से क्वेश्चन आते रहते हैं, आप हमको क्वेश्चन शेयर करिए, हम आपको सोल्यूशन देते रहेंगे उसके। जैसे हमने कह दिया कि एक स्क्वायर पिरामिड है जो एचपी पर रखा गया है, ठीक है, उसका एलिवेशन और प्लान बनाना है। यदि उसकी एक्सिस लाइन जो है वो एचपी से 30 एंगल इंक्लाइन करे, कितना, एचपी से 30 एंगल इंक्लाइन करे, तो उसका एलिवेशन प्लान कैसे बनेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम एलिवेशन और प्लान पहले सिंपल तरीके से बना लेते हैं। एलिवेशन प्लान बनाने का तरीका हमने सीधा सीधा बता दिया आपको, हम थोड़ा सा लाइन से हटकर एलिवेशन और प्लान बनाएंगे ताकि साफ साफ दिखे, क्योंकि ये मार्कर है, अगर चौक होती है तो उसमें लाइनों का सही से जिक्र होता है, मार्कर में कर नहीं सकते। तो चलिए एक एलिवेशन हम आपको यहाँ बनाकर दे देते हैं, एक छोटा सा एलिवेशन, ये आपकी एक्सिस लाइन हो गई, एक स्लांटेज, ये दूसरी स्लांटेज, ये आपका एलिवेशन हो गया। प्लान की हम बात करें तो सीधा सीधा प्लान आपका ये आपका हो गया प्लान। और प्लान में हमने और भी चीजें बताई थी, ये एज है सब, ये कॉर्नर तक जाती है, ये आपका एक तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आपका एलिवेशन प्लान। जब ये अगर हम इसी चीज को अगर हम देखिए, ये हमने तल बनाया, देखिए थोड़ा सा ये चीज हमने इसको इस तरह स्क्वायर करके रख दिया है, देखिए दिख रहा है एकदम साफ ऐसे करके दिखा। अब हम क्या करेंगे, इसको 30 एंगल इसके ए किसको एक्सिस को इंक्लाइन करेंगे, तो एक्सिस को अगर 30 एंगल इंक्लाइन करते हैं तो आप लोग देखिए, देखिए ये आपका एक्सिस आ रहा है और ये आपका बेस है, एक्सिस और बेस के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, कितना एंगल है 90 डिग्री। इसका मतलब कि अगर एक्सिस आपकी 30 एंगल इंक्लाइन करेगी तो बेस आपका कितना करेगा, 60 डिग्री इंक्लाइन करेगा। देखिए अगर आपकी एक्सिस ये जा रही है और बेस इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो अगर ये आपका एक्सिस कितना कर रही है 30 डिग्री इंक्लाइन कर रही है एचपी से,
तो इसका मतलब कि ये बेस से इसका जो बेस होगा वो एचपी से कितना इंक्लाइन करेगा 60 डिग्री। तो 30 डिग्री हम क्या करते हैं कि बेस को पहले बना लेते हैं, फिर आगे चीजें आपको एक एक करके बताते हैं। अब देखिए इसी में देखिए ये आपका चित्र आएगा, देखिए ऐसे ऐसे बना हुआ आएगा, 30 एंगल इंक्लाइन कर रहा है, तो 30 एंगल इंक्लाइन कर रहा है तो सीधा सीधा ऐसे बना लेते हैं। चलिए 30 डिग्री इंक्लाइन करके सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं, थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं तो और इजी हो जाता है। जैसे हमने भुजा का दिया ए बी कॉर्नर सी कॉर्नर और डी कॉर्नर, तो ये आपका हो गया अपेक्स ओ। इसमें दिखाते हैं ये ओ डैश है, उसके बाद ये देखिए बी और ए ओवरलैप करके एक पॉइंट यहां बना रहे हैं, तो हम पहले बी दिख रहा है उसके बाद ए, तो हम लिखेंगे बी ऑब्लिक ए, बी डैश ऑब्लिक ए डैश, सी और डी में तो सी डैश ऑब्लिक डी डैश, इतने पॉइंट। अब हमको चूंकि यही चित्र बनाना है, यही यहां बनाना है, लेकिन एक्सिस आपकी एचपी से कितना इंक्लाइन करे 30 डिग्री, इसका मतलब कि एचपी से अगर एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइन करे इसका मतलब बेस कितना करना चाहिए 60 डिग्री। तो चलिए 60 डिग्री करा देते हैं, बेस को पहले हम 60 डिग्री बना लेते हैं, ये आपका बेस हो गया, दो पॉइंट कितना इंक्लाइंड है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया इसका मतलब इससे एक्सिस जो जाएगी वो कितना इंक्लाइन करेगी 30 डिग्री इंक्लाइन करेगी, देखिए ऑटोमेटिक 30 डिग्री करेगी। तो चलिए हम इसको 60 डिग्री ना लिखकर हम एक्सिस को लिख देंगे 30। तो बनाना शुरू करते हैं, हमको पता है ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया, ये है बी डैश ऑब्लिक ए डैश, और ये कौन सा है आपका, ये है सी डैश ऑब्लिक डी डैश। तो चलिए दो, हमको पता है कि अगर कोई भी डायग्राम बनाना है अगर दो पॉइंट इसमें बन गए तो बाकी जितने पॉइंट को ढूंढना है हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, तरीका हम बता रहे हैं। देखिए एक गोला प्रकार लीजिए, इस वाले पॉइंट से यहां तक का माप लीजिए, एक आर्क लगा दीजिए, दूसरा यहां से ये वाली जो कि सेम दूरी होगी एक आर्क लगा दीजिए, यहां ये दोनों आर्क आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, मिल गया तीसरा पॉइंट हमको ओ डैश, ओ डैश यहां मिल गया, ये है आपका ओ डैश, बस इसको मिला दीजिए, बन गया आपका जो चित्र यहां है सेम वही बनेगा। अब एक्सिस बनाना है आपको, ये आपका एक्सिस बन गया, हो गया एक्सिस जो आप ऐसे खींचते लेकर आएंगे एक्सिस, देखिए एचपी से कितना इंक्लाइन कर रहा है 30 डिग्री इंक्लाइन कर रहा है, हमारा क्वेश्चन भी यही था कि एक्सिस कितना करना चाहिए 30 डिग्री। चलिए अब इसका बनाते हैं प्लान, तो देखिए प्लान में हम क्या करते हैं, एक तो तरीका बताते हैं, अच्छा हम आपको पहले ऐसे बनाकर दिखा दे रहे हैं कि देखिए अगर आप प्लान वास्तविक में देख रहे हैं, देखिए प्लान जो आप देखेंगे वो कैसे दिखेगा आपको, प्लान ऐसे कुछ दिखेगा, ये देखिए ये वाला प्लेन है ऐसे प्लान दिखेगा, लेकिन ऐसे तो नहीं दिखेगा एक्चुअली में, ये ऐसे दिखेगा, देखिए इस तरह करते हुए ऐसे दिखेगा, और इस तरह जब दिखेगा ऐसे इंक्लाइन करते हुए तो आपके खुद समझ में आ रहा होगा कि जब आप क्वेश्चन को ऐसे कुछ करके देखते हैं, देखिए इस तरह करके देखते हैं ऐसे करके, ध्यान से थोड़ा सा देखिए इस तरह करके, देखिए ये इंक्लाइंड है आपका, देखिए इंक्लाइंड है, ध्यान दीजिए देखिए ये आपको एज दिख रही है ना, ये वाली ये एज दिख रही है, यहां से ये एज जाती हुई दिखेगी, एक एज ये जाती हुई दिखेगी, ध्यान से देखिए ये वाली भी एज दिख रही होगी, दिख रही है ना प्लान में, दिख रही है ये वाली भी एज आपको दिख रही होगी, देखिए ऐसे इंक्लाइन करके, तो इस तरह तो आपको साक्षात दिख रहा है, लेकिन हम यहां भी देखते हैं कैसे, हमने आपको दो तीन फार्मूले बताए थे, पहला कुछ नियम है हमारे, पहला नियम क्या है, ऊपर से देखने पर जो लाइन एज जितनी भी एजे हैं अगर पहले दिख जाए तो वो सारी एजे फॉर्म होती हैं, क्या होती है फॉर्म लाइन। तो चलिए प्रोजेक्शन लाइन पहले डालते हैं, देखिए यहां से ये प्रोजेक्शन लाइन डाल दिया हमने,
इसका प्रोजेक्शन लाइन डाल दिया, इसका प्रोजेक्शन लाइन डाल दिया और इसकी प्रोजेक्शन लाइन डाल दी, यहां से ये प्रोजेक्शन लाइन डाल दिए, ये एक्सिस वाली चली गई। ये देखिए ऊपर से देखने पर, तो सबसे पहले ऊपर से देखिए ये पॉइंट दिख रहा है ना ए, तो सबसे पहले पॉइंट ढूंढ लीजिए ए डैश और ए, देखिए दोनों की लाइन जाकर यहां मैच कर रही है, तो ये पॉइंट हो गया आपका ए। बी ढूंढते हैं, देखिए ये बी की लाइन है बी और ये बी की लाइन है, तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट बी, क्या हो गया दूसरा पॉइंट बी। इसी तरह यहां हो गया आपका डी हो गया और ये आपका हो गया सी और ये हो गया आपका ओ। अब हमने कहा कि ऊपर से देखने पर देखिए ए से लेकर ओ तक जाती हुई लाइन एकदम सीधा सीधा साफ साफ दिख रही है ऊपर से, तो ए से ओ तक की लाइन को हम फॉर्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे फॉर्म, इस वाली लाइन को हम फॉर्म खींचेंगे फॉर्म। देखिए ये आपकी लाइन क्या हो गई फॉर्म हो गई। अब बी से देखिए बी पॉइंट भी यही है, बी से ओ तक जाने वाली भी लाइन फॉर्म है, बी से जाने वाली भी लाइन फॉर्म है, इसको भी हमने फॉर्म बना दिया, बी से जाने वाली लाइन फॉर्म हो गई। अब ए और बी देखिए ए और बी पॉइंट ऊपर से दिख रहे हैं ना, तो ए और बी की जो लाइन होगी वो भी फॉर्म होगी, जाहिर सी बात है ऊपर से दिख रही है, तो ये ए से बी वाली लाइन क्या हो गई फॉर्म हो गई। अब आउटर मोस्ट लाइन देखिए, आउटर मोस्ट लाइन जो होती है वो सब क्या होती है फॉर्म लाइनें होती है, आउटर मोस्ट लाइन क्या होती है सब फॉर्म लाइनें होती है, आउटर मोस्ट लाइनें आपकी फॉर्म होती है, ये पॉइंट आपका डी है, तो आउटर मोस्ट लाइन ए से डी जाने वाली लाइन आउटर मोस्ट है क्योंकि इसके बाहर कोई लाइन नहीं आएगी, बी से सी तक जाने वाली लाइन भी आउटर मोस्ट है इसलिए क्योंकि इसके बाहर नहीं कोई लाइन आएगी। अब डी से ओ तक जाने वाली लाइन फॉर्म होगी डॉटेड, अगर हम बी से ओ तक लाइन कोई खींचते हैं तो क्या इसके बाहर कोई लाइन और खींचा जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये भी लाइन क्या होगी फॉर्म होगी, सी से ओ तक जाने वाली भी लाइन फॉर्म होगी, ये सब। अब हमारी कौन सी लाइन बची, अब जो लाइन बची है वो बची है सी से डी तक, भाई सी से डी तक एक लाइन गई है कि नहीं, देखिए सी से डी तक गई है ना, तो सी से डी तक जो लाइन जाएगी, हमने कहा बताया था आपको कि कभी भी अगर कोई दो पॉइंट के बीच कोई लाइन खींची जा रही है अगर उसके बीच में कोई फॉर्म लाइन आ जाए तो वहां फॉर्म लाइन हम कभी नहीं खींचते क्योंकि कभी भी एक फॉर्म लाइन दूसरे फॉर्म लाइन को कभी नहीं काटती, ठीक है, तो हम इसका मतलब सी से डी से जाने वाली रेखा क्या होगी डॉटेड होगी, डॉटेड, ठीक। अब हमारा पॉइंट ओ यहां था जो एक्सिस लाइन, तो इसको एक्सिस लाइन लॉन्ग चैन, एक्सिस लाइन कैसे खींची जाती है लॉन्ग चैन, सात एक सात एक सात के रेशियो में, मतलब सेवन एच टू वन के रेशियो में बनाई जाती है, सेवन एच टू वन के रेशियो में, तो ये आपका बना एलिवेशन और ये बना प्लान, क्लियर। इसी तरह करके हम आगे और भी सारी वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे, आप क्वेश्चन बनाते देते जाइए एक एक करके, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे उसका सॉल्यूशन नीचे करते चले जाएंगे, ठीक। ये छोटा सा